हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 फरवरी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। तो देखिए, ग्लास फ्लोर यानी कि कांच की एक ऐसी ब्रिज होगी, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा सबसे पहले, तो ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। और देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है लक्ष्मण झूला, और उसको अभी रिप्लेस कर दिया जाएगा उस झूले को ग्लास के फ्लोर यानी कि कांच की एक ब्रिज बन जाएगी लक्ष्मण झूला अब, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा अभी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इससे रिलेटेड कुछ करंट के चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, गुजरात में देश का पहला समुद्री विरासत म्यूज़ियम बनाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गुजरात के लोथल में ये बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश के कैपिटल है भोपाल, जहाँ पर अभी देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यहाँ पर ओपन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा चरखा जो प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो देखिए, इसकी राजधानी है देहरादून, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्या, ठीक है। और देखिए, उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं, और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। इसमें विधानसभा की सीट है 71, राज्यसभा की सीट है 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या है। तो देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की बात की जा रही है, तो राम मंदिर का भी जो एक ट्रस्ट बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, इस ट्रस्ट के अभी वर्तमान में चेयरमैन बनाए गए हैं, वो कौन है, के पारसन को अभी इस ट्रस्ट का अध्यक्ष एंड की चेयरमैन बनाए गए हैं। और आप सभी को पता होगा कि राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाएगा, और अयोध्या कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ये सारी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। देखिए, बुलेट प्रूफ हेलमेट का विकसित किया है ये कौन सा देश है, तो यह हमारा देश भारत, जिन्होंने अभी दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट डेवलप किया है। और देखिए, ये डेवलप किसने किया है, तो ये आर्मी एक मेजर है जिनका नाम है अनूप मिश्रा, इन्होंने पहला ये बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। और देखिए कि इस बुलेट प्रूफ से अगर AK-47 से अगर फायर किया जाएगा और 10 मीटर की दूरी पर भी होगा, तब भी इस हेलमेट के द्वारा इसको रोका जा सकता है, AK-47 की गोली को भी, ठीक है। और देखिए, ये जो इन्होंने बनाया है, ये एक इंडियन सेना की एक अभय परियोजना थी, उसके अंतर्गत इन्होंने ये डेवलप किया है। अगर हम बात करें भारतीय सेना की, इनकी आर्मी की, तो देखिए, इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1895 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य क्या है, स्वयं से पहले सेवा इसका मोटो था। अभी वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है, वो है मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोडो शांति समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, बोडो शांति समझौते पर अभी 2020 में इसको हस्ताक्षर किया गया, इनकी 27 जनवरी 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा और आसाम आधारित एक विद्रोही समूह है जो डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जिसको कहते हैं NDFB, इन दोनों के बीच में, यानी कि केंद्र सरकार और इस NDFB के मध्य एक समझौता हुआ है। और एक तरह से इसके अंतर्गत देखा जाएगा कि आसाम तथा बोडो क्षेत्र में अब जो है इनके भविष्य के लिए एक तरह से ये हस्ताक्षर किया गया, यानी कि वहाँ की शांति के लिए किया गया। और ये स्थित है कहाँ पे, आसाम में। अगर हम बात करें आसाम की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के
वर्तमान मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का वर्तमान कैश रिजर्व रेशियो एंड की सीआरआर क्या है। तो देखिए सीआरआर क्या है, तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो वर्तमान में अभी 4% अभी सीआरआर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और ये अभी वर्तमान में 4%। अभी आरबीआई ने अपनी बाई मंथली ये मंथली पॉलिसी जारी किया जिसके अंतर्गत सीआरआर अभी है 4%। अगर हम बात करें तो देखिए कि 5.15% है वर्तमान में रेपो रेट, यानी कि रेपो दर अभी 5.1% है और रिवर्स रेपो है 4.90। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई की, अगर हम बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसके अलावा आरबीआई की स्थापना होती 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए ब्रिटिश उच्चायुक्त की बात हुई है तो ये फिलिप बार्टन को अभी ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। देखिए कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर दो चीज़ होती है, तो देखिए जितने भी कंट्रीज़ ब्रिटिश के यानी कि अंग्रेज़ों के कॉलोनीज रही हैं यानी कि उनके गुलाम रही हैं उन कंट्रीज़ पे हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और बाकी कंट्रीज़ पे एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें इंग्लैंड की यानी कि यूके की बात करें तो देखिए इसकी राजधानी है लंदन और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड ने पहली बार, इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट और किंतु पहली बार इन्होंने 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष की एकल मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए ये पहली महिला कौन थी, ये है थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 1963 की बात है जब इन्होंने ये मिशन पे गए थे, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए अभी एक और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टीना कोच ने, और क्रिस्टीना कोच ने इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने एक महिला जो सबसे लंबे समय तक एक सिंगल स्पेस में रहने के लिए सबसे ज़्यादा दिन रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 328 दिन स्पेस में रहने का एक रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टीना कोच, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि वैलेंटिना जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था और ये रूस की रहने वाली हैं और इन्होंने 1963 में एक सोलो मिशन पर जाकर अंतरिक्ष में एक रिकॉर्ड कायम किया था और अभी भी वो रिकॉर्ड अभी बरकरार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग में किस संस्थान ने टॉप किया है। तो देखिए अभी हाल ही में बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग जारी हुई है और उसमें टॉप रैंकिंग पे रहा है HEC पेरिस, जो कि पेरिस की एक फ्रांस की यानी कि एक बिजनेस स्कूल है, इसको नंबर वन रैंकिंग दिया गया। और इसी के साथ पेंसिल्वेनिया यानी कि अमेरिका की एक बिजनेस स्कूल है वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसको द्वितीय रैंक मिला है। और IIM जो कि भारत में है बेंगलुरु में, इसको तृतीय स्थान की थर्ड रैंक मिला है, ठीक है। देखिए अभी जो इसको जारी कौन करता है, ग्लोबल MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया जिसमें HEC पेरिस की जो बिजनेस स्कूल है वो टॉप पे रही है। और पेरिस क्या है, ये फ्रांस की राजधानी है। और देखिए फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, एडवर्ड फिलिप यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ही ध्यान रखेंगे कि IIM बेंगलुरु इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, ठीक है, थर्ड रैंक पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की गई है। तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन का गठन किया गया है। देखिए इसका गठन क्यों किया गया, जितने भी यौन मामले हैं और अन्य जितने भी जघन्य अपराध है महिलाओं के खिलाफ होती है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई किया जा सके और उस इन लोगों को न्याय मिल सके, तो इसीलिए इस पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी है अमरावती, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश की। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है? तो देखिए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये कौन से स्टेट ने शुरू किया, तो ये हरियाणा ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि ये योजना गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को 6000 रुपये एक तरह से ये डोनेट करेंगी, ठीक है। और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 6000 रुपये ये दिया जाएगा और उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा हरियाणा में अभी कुछ ही समय पहले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो फरीदाबाद हरियाणा के फरीदाबाद में इसका शुभारंभ हुआ था और इसका उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो देखिए यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के, बहुत ही एक फेमस नेशनल पार्क है सुल्तानपुर और कलेश्वर, ये दो जो है एनपी है नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने साथी पहल शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।